हेलो मैडम, हैप्पी बर्थ सावित्री। तो बस सावित्री की साड़ी कुछ मेरी ऐसी है जो आपने मेरे को लेते हुए देखा था। तो फ्रेंड्स, हमें डर हो रही थी कि हमें पंडित जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर पंडित जी बोल रहे हैं मैं 5 बजे से मंदिर में बैठा हुआ हूँ। करना अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे, उनकी दीर्घकाल एक संतान ना होने के कारण बगैर पहले भी कभी पानी नहीं पिया। तो और दिन पवन होते हैं साथ में तो वो पिलाते हैं, आज वो चले गए स्कूल तो मैं खुद ही पी लेती हूँ। ये देखिए गंगा जल फ्रॉम हरिद्वार। मिली मसीह कहाँ कहाँ तक गए, वही तो सब्जी में जा। आज तो मैं पहली पहली लीजिए इस सीजन की। दोस्तों इधर मेरा पनीर भी बन चुका है, आप देख सकते हैं। गरारी करो, वो कुल्ला करो, ऐसे करके थूको उसको बाहर। तुमको तो ढककर चाहिए। अच्छा बोला, अच्छा हाँ बोला, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। गणेश महाराज की जय। हेलो मैडम, हैप्पी बर्थ सावित्री। कब हो गई थी भाई यार, तो इतनी जल्दी। आपको भी बर्थ सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मैं ज्योति गैरा का प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और आज है बर्थ सावित्री, सभी को बर्थ सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा सुहागन रहे, आपका सुहाग अटल रहे। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो बट सावित्री की साड़ी कुछ मेरी ऐसी है जो आपने मेरे को लेते हुए देखा था, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और वैसे पूजा करने का टाइम तो अलग है, बट हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर क्योंकि मेरा स्कूल है। तो अभी मंदिर में पूजा वगैरह करके बट सावित्री का सामान वगैरह रख के आधी चीज़ें मैंने शाम को कर ली थी, बाकी अभी दिया वगैरह मम्मी ने जला रखा है, बाकी सावित्री जी का अलग से दिया जलाऊँगी मैं। तो अपनी बट सावित्री की जो घर में पूजा होती है वो करने के बाद मैं और पवन जाएंगे अभी नीचे मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ आप भी मंदिर में, पहले अपने घर के मंदिर की पूजा करते हैं, उसके बाद ले चलते हैं आपको दूसरे मंदिर में, बड़े मंदिर में। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो मैं चने भिगा रखे थे वहाँ पे, चने चढ़ाते जिस टाइम परिक्रमा करते हैं वट के पेड़ की, तो वो चने लाना भूल गई थी तो यहाँ पे रुकी हूँ मैं। अभी पवन लेने गए हैं ऊपर, बाकी अभी पहुँचे ही थे गेट पे, स्कूटी निकाली थी, याद आ गया मुझे, वरना वहाँ से वापस आना पड़ता पवन को। बाकी सारी चीज़ें रख दी हैं मैंने, फ्रूट्स एंड ऑल, ये बस एक चने रह गए थे, वो लेके आ रहे हैं पवन, फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और टाइम अभी 6:00 बजा हुआ है, मैं देखती हूँ कितना हो रहा है टाइम, 5:56 हो रहा है टाइम। तो जाते हैं फटाफट से, पंडित जी मिल जाएंगे, पूजा पंडित जी से करवा लेंगे, अदरवाइज खुद ही करके आ जाएंगे। आ गए हो सोचते रही थी मैं ऊपर क्या बोली करके, उसी में डाल दें बस सारी चीज़, अच्छे से अंदर को डाल दे, गिर जाएंगे। वाह क्रिएटिव लोग, अच्छी हवा चल रही ना, बस पंडित जी मिल जाए मंदिर में, घूमते तो ठीक है। ये है मंदिर मार्ग, हमारे बचपन का मंदिर, हम बचपन में ही आते हैं। तो ये रहा मंदिर।
करो फिर करो। तो दोस्तों कोयल के आशीर्वाद के साथ आप सुन सकते हैं कोयल की आवाज़। मैं यहाँ पे रक्षा तागा बांधने लग गई हूँ टहनी पे। वैसे परिक्रमा करके रक्षा तागा बांधा जाता है, पर ये इसमें चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं पेड़ के, तो पॉसिबल नहीं था, है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही हम ऐसी बांधते हैं इसी टहनी पे। तो उसके बाद रक्षा तागा 7 बार बांधने के बाद हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं 5-6-7 बार चारों ओर पेड़ के। तो बस रक्षा तागा यहाँ पे बांध लेते हैं सभी लोग, मैं ही नहीं, सभी लोग यहाँ पे यही करते हैं। तो रक्षा तागा मैंने बांध लिया है और यहाँ पे रक्षा जो तागा होता है उसे तोड़ते नहीं है, वहीं पे रख देते हैं और माथा टेक के अब मैं करने जा रही हूँ मंदिर की परिक्रमा। तो दोस्तों अभी आपको मंदिर में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था, अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। अगर अभी हमारी हो चुकी है पूजा और अब हम जाते हैं घर को, क्योंकि इन्होंने भी स्कूल जाना है, इनका टाइम हो गया है 6:30 हो गया। टाइम कितना हो रहा है? 6:26 6:26 हो गया है, 6:30 बजे भी निकल जाते हैं। तो टाइम से हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम लोग निकलते हैं घर को। और आपको कोयल की आवाज़ आ रही होगी, कितनी प्यारी लग रही है। आपने ले रखा होगा ना मंदिर का व्यू पूरा, पेड़ के आसपास का व्यू जितना हो सकता है। तो अब चलते हैं हम लोग घर को। एक चक्कर लगाओ, हाथ जोड़ के लगाओ। तो ये पेड़ काफ़ी मतलब चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, तो गोल राउंड नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए हम यहीं पे ही कर देते हैं रक्षा तागा, यहीं पे बांध देते हैं। यहाँ आगे मेरे पतिदेव। बाकी कोयल है यहाँ, दिख रही है। तो फ्रेंड्स हमें डर हो रही थी कि हमें पंडित जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर पंडित जी बोल रहे हैं मैं 5 बजे से मंदिर में बैठा हुआ हूँ, अगर हम 5:30 बजे भी आ जाते तो पंडित जी हमें मिल जाने थे। तो बढ़िया से हमारी पूजा पाठ हो चुकी है और अब घर जाती हूँ, कथा वगैरह पढ़ती हूँ घर जाके, उसके बाद चलेंगे स्कूल को। पवन का तो टाइम हो गया तो चले जाएंगे, पर मैं कथा पढ़ के जाऊँगी। अब पापा की भी हो चुकी है पूजा पाठ। प्रणाम पापा। प्रणाम। तो अब मैं भी कर लेती हूँ अपनी कथा वगैरह, क्योंकि मेरा भी फिर टाइम हो जाएगा स्कूल का। आज वट सावित्री है? वट सावित्री का व्रत है आज। अच्छा, मैं कहा वहाँ जो बना रखा है। तो इधर सारा श्रृंगार का सामान एंड ऑल रख दिया है मैंने, और अब मैं पढ़ूंगी कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घकाल एक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए, सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषी के अपने अपने ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय ही सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात। दोस्तों अभी मैंने कथा भी पढ़ ली और अब मैं पीती हूँ पानी, क्योंकि कथा पढ़े बगैर पानी नहीं पीती हूँ मैं। और कुछ लोग पीते हैं कुछ लोग नहीं पीते हैं, जिन्होंने जैसा पहले से स्टार्ट किया होता है वैसा ही होता है। तो मैंने कथा पढ़े बगैर पहले भी कभी पानी नहीं पिया। तो और दिन पवन होते हैं साथ में तो वो पिलाते हैं, आज वो चले गए स्कूल तो मैं खुद ही पी लेती हूँ। और मैं अभी निकलती हूँ स्कूल को, क्योंकि टाइम कुछ हो गया है, 7:05 होने वाला है। और अब बाकी की ब्लॉगिंग करूँगी स्कूल से आने के बाद, और शॉर्ट्स आप लोग देख ही चुके होंगे मेरा वट सावित्री का, तो ब्लॉग भी आज देखिए ब्लॉग, क्योंकि लेट आएगा। पापा जा रहे हैं दूध लेने, पापा को बाद में पूछेंगे कि मशीन कहाँ खोई, और आज पापा के दांत में भी दर्द हो रखा है, मुंह सूज रखा है पापा का गाल। बाकी नित्या काशी भी उठ चुके हैं यहाँ, और बाहर तुमने पूछा वगैरह लगा दिए, तो काशी भी उठ गई है, नित्या भी उठ गई है। तो दोस्तों अभी मैं अब मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा बातें करने का टाइम नहीं है। बाय बाय फ्रेंड्स। टाइम हो रहा है कुछ दिन का 2:57, और मैं आ गई थी, मुझे आए हुए तो 1 घंटा हो गया। पतिदेव भी आ गए हैं मेरे, पर मैं नहीं, तो हमारे स्कूल में जल्दी भेजा था, 2 बजे आई मैं तो, मतलब जो टीचर जाना चाह रहे थे इनका व्रत था तो चल गया जल्दी। बढ़िया है। तो दोस्तों मैं तो 2 बजे आ गई थी, मतलब स्कूल से आ गई थी, लेकिन मैंने साड़ी चेंज नहीं करी, मैंने कहा शाम को ही करूँगी, कभी कभी मिलता है साड़ी पहनने को भी।
मतलब व्रत वगैरह में ही पहनी जाती है, तो मैं ऐसी लेटी थी, एडिटिंग कर रही थी, शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी, शॉर्ट्स एडिट किया वो डाला जो आपने देख ही लिया होगा कि पवन आ गए हैं, उनके लिए डोर खोल दिया है मैंने, बच्चे भी सो गए हैं, मम्मी लोग भी सोए हुए हैं और अभी मेरे क्लास इस वर्ष सावित्री में हम तुम्हें देंगे एक गिफ्ट। क्या गिफ्ट देने वाले? अरे बिल्कुल, तुमने जो अनएक्सपेक्टेड सोचा होगा, ये देखिए गंगा जल फ्रॉम हरिद्वार। बाप रे ये क्या था, माँ का प्यार ले माँ। तुम्हारे लिए तो बड़ी जल्दी दौड़ आ गई, मेरे को तो इतनी दौड़ में मैं इतनी आवाज लगा के भी नहीं आती है, और तुम्हारे लिए एक आवाज में दौड़ आता हूँ। दोस्तों इधर आ गए मेरे स्टूडेंट, ये देखिए, तो आज वेदांत बजाएंगे जय गणेश, जो पिछले क्लास में वेदांत ने थोड़ा बहुत जय गणेश सीखा था, तो आज वेदांत जय गणेश बजाएंगे, ठीक है? पहले वेदांत देन वैभव, ओके वैभव, ओके। फ्रेंड्स बच्चों की क्लास लेने के बाद नित्यकाशी को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ पनीर, तो आज के खाने में मेरा बन रहा है पनीर, रायता, रोटी, पूरी तो मेरे से खाई नहीं जाती व्रत के दिन, तो मैं रोटी डालूंगी, थोड़ा प्रसाद के लिए बनाऊंगी पूरी वगैरह, और बाकी और चीज़ें कुछ नहीं बना रही हूँ आज ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा है, थकान भी हो गई है सुबह से, तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, बस वही रायता पनीर और रोटी ही बनाऊंगी, और पुए भी मैंने नहीं बनाए आज, और बार कुएँ बनाते थी, इस बार कुएँ भी सुबह से लेकर अभी तक तो मैं बिज़ी हूँ, और अब मैं खाना वगैरह, एक तो गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कुएँ वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ पनीर रायता और पूरी ही बनाऊँगी, सॉरी रोटी। तो अभी खाना वगैरह बनाती हूँ, मम्मी पापा गए हुए हैं घूमने, और साथ ही में गए हुए हैं मशीन ढूंढने भी पापा के कान की, तो देखो पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती है, मिल जाएगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी, और नहीं मिलेगी तो वो भी रिएक्शन शेयर करूँगी पापा का, क्योंकि सुबह से पापा से बात कराने का भी टाइम नहीं हुआ। क्या गलत हुआ आपका? ये क्या लिखा आपने, ये क्या, ये क्या है, ये गलत हो गया, हल्द्वानी था वो, हल्द्वानी क्या इरेजर देख वहीं गिरा होगा। तो दोस्तों इनको वक्त भी दे रखा है मैंने अभी, और पापा की मशीन आई होप मिल जाए, तो मम्मी और पापा तो गए हुए हैं, मैं ही जाती, मेरे को टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे आए हुए थे, और अभी खाना वगैरह भी बनाना है, तो देखते हैं मिलती है क्या होती है नहीं। तो दोस्तों मम्मी लोग आ गए हैं, पूछते हैं इनसे मिली मशीन, कहाँ कहाँ तक गए, आज तो नया फ्रूट कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है, पापा का तो आज गाल भी बहुत सूझ गया, नहीं मिली मशीन, नहीं मिली, नहीं मिली ये गाल, ये गाल तो बहुत ही सूझ गया आपका, यहाँ पे आओ, मिल गया गाल तो बहुत ही सूझ गया, ये हाँ इसने मारा ये हाँ, वो दुकान में घूम करके आया, बोला संभाल नहीं सकता और लगा दिया, वो इसमें भी ऐसा हो गया, ये देखो इसमें लॉन्ग नहीं डाला आपने, लॉन्ग डाला दिन में, तभी तो लॉन्ग नहीं था दिन में, हाँ ठीक है, दोबारा लिखो ए जी आर ए है ये, मैंने क्या किया, क्या क्या लाया, हल्द्वानी गलत इरेज कर इसको, कैपिटल लिखो ना, हाँ जा। दोस्तों ये लोग आ गए हैं मशीन ढूंढ के, लेकिन मशीन नहीं मिली है, वैसे कहाँ मिलती, वो इतनी जगह पापा घूमने गए होंगे, पता नहीं कहाँ गिरी, क्या गिरी, कोई पता नहीं है, आई होप कि घर पे ही गिरी हो, मिल नहीं रही, और पापा का दांत देखिए कैसा हो रखा है, पूरा सूज के, पापा के दांत में दर्द हो रहा था, अब सूज गया हो बहुत ज्यादा, अंदर से टूवाल ने, तो इसको पीली कोठी दिखा जो लाते है, दिखा लाते इसको यहीं पर, हाँ पीली कोठी पे, हाँ वो तोड़ देगा, सूजन आए में तो नहीं तोड़ेगा, कुछ दवा देगा, अभी जाना पवन के साथ, अभी चले जाना, बस तो आज इस सीजन का नया फ्रूट आ गया है, हाँ पीली कोठी। दोस्तों ये देखिए पहली पहली लीची इस सीजन की, पहली लीची भी आ गई है, 100 रुपए किलो, पहले पहले 100 ही होती है, फिर 90 होती है, हाँ लीची मैं सोच रही थी वट सावित्री में तो आ जाती थी लीची, इस साल नहीं आई करके, आ गई कल सोच रही थी मैं। नहीं दोस्तों इधर मेरा पनीर भी बन चुका है, आप देख सकते हैं, तो आज लहसुन प्याज तो डालना नहीं होता है व्रत के दिन, तो मैं पनीर में डालती हूँ, पनीर मेरा रेडी होने वाला है, बस थोड़ी देर में गैस बंद करती हूँ, तो व्रत के दिन लहसुन प्याज तो डालना नहीं होता है, तो मैं अपने पनीर की व्रत वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी, मैं भी ऐसी बनाते होंगे, बट मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल में मैं पहले पनीर को फ्राई कर लेती हूँ ब्राउन होने तक, फिर मैंने ऑयल में डाला जीरा और जखे का तड़का, और साथ ही मैं इलायची, अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बट मेरे पास थी नहीं, मेरे पास छोटी इलायची थी तो मैंने वही डाली,
और टमाटर को और हरी मिर्च को और काजू को मैंने 10 या 12 पीसेस काजू के मैंने ग्रेन कर लिए थे और फिर अच्छे से उनको भून लिया, बिल्कुल तेल उनसे ऑयल बाहर निकलने तक पूरा, जैसे एक कटोरा सारी क्वांटिटी है उसकी तो आधा कटोरा होने तक पूरा अच्छे से भून लिया। देन मैंने उसमें डाल दिया पनीर और साथ ही मैं थोड़ी देर पनीर और उसको फ्राई करके थोड़ा सा ढक लिया। देन उसका ढक्कन थोड़ा देर इसके बाद निकालने के बाद 2-3 मिनट के बाद देन इसमें मैंने डाल दिया दूध और अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी कसूरी मेथी और अगर धनिया हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो व्रत वाला पनीर बनके रेडी है। पापा और पवन जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, पापा का दांत देखिए कैसा सूज को दिखा लाते हैं। हाँ जाओ बताना, भी चाय भी पी रहा हूँ भर भर के। क्यों चाय भी नहीं मना किया? क्यों दांत दर्द में चाय कौन पीता है फिर? चाय से ज्यादा होती है, देख रहे उनको। तो नित्या काशी गए हुए हैं हमारे उधर खेलने के लिए, वो देख सकते हैं, नहीं तो दांत में दर्द हो रहा उनके। डॉक्टर क्या बोला था डॉक्टर? रात्रि बोला छोटी तकलीफ मोटी तकलीफ में यहाँ आ जाते हो। अच्छा और क्या कहा, नमक का कुल्ला नहीं करते हो आप घर में? नमक का गुनगुना पानी बनाओ, उसका गरारी करो, वो कुल्ला करो ऐसे करके, थूको उसको बाहर, तुमको तो डॉक्टर चाहिए। अच्छा बोला, अच्छा बोला यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो फटाफट मेरे को परेशान करने के लिए आ जाते हो। जरूर कह रहे होंगे आपसे तो। ये यहाँ से ना, यहाँ इस तरह से चबाना नहीं, कुछ मत खाना, और अभी चबाना मत यहाँ से, यहाँ से वो दांतों से कट के यहाँ पे गांठ हो गई है कह रहा हूँ, गांठ हो गई, गांठ ना तो वो सेकने से सही हो जाएगा, सेकेंगे ना खुला करके, खुला करना है तीन टाइम, खाली गुनगुने वाले हैं, खुला करना है नमक डाल के बस, थोड़ी देर खुला करते रहना। अभी हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है और मम्मी को भी दे दिया है श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह, तो अब बनाती हूँ रोटी, सबको खिलाती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपने मेरा वर्ष सावित्री का ब्लॉग इंजॉय किया होगा। इंजॉय किया तो ये तो लीची खाने में बिजी है अब। अगर इंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कॉमेंट करना जरूर भूलिएगा, मत भूलिएगा, आई मीन भूल जाते हैं आप रोज, तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा पार्ट ब्लॉग में सबसे बेस्ट लगा, प्लीज कमेंट करिएगा। मेरा व्रत है आज तो रात को ही खाऊंगी क्योंकि मैंने 3 बार खा लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।